बैंक निफ्टी को लेके क्या नजरिया है, निफ्टी पे आपको क्या लग रहा है कि बहुत घबराने की बात नहीं है, ये टाइम बेस्ड जो करेक्शन होता है लगातार तेजी के बाद वही हो रहा है, बाजार थोड़ा थका रहा है, थकने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए बुल मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं, और अगर आप लेवल बेस जाए तो 44,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे पुट राइटर्स बड़े एक्टिव है, तो हो सकता है कि बाजार वहां पे सपोर्ट ले सकता है। मैं मानता हूँ कि शायद 1-2% का करेक्शन आ जाए, पर इस बाजार में शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर निफ्टी में थोड़ा और करेक्शन आ जाता है, अभी चल रहा है 19,400, 19,200 के आसपास लेवल पे आ जाता है तो एक अट्रैक्टिव जोन में बाजार आ जाएगा। वहां से वापस निफ्टी बल्कि 20,000 की तरफ दौड़ लगा सकता है। तो मैं शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा, बल्कि नीचे के लेवल से खरीदने का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। जैसा कि देखिए आज मेटल्स काफी तेज थे, जिंदल स्टील ने 3% की तेजी दिखाई, तो ऊपर ऊपर आपको लग रहा है करेक्शन है, बट अंदर ही अंदर काफी सारे स्टॉक भाग रहे हैं, और जैसे ही बाजार स्टेबिलाईज करेगा स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सो आई वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द लोअर लेवल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। से और बाज़ार में जब भी मौका मिले तो आपको जो है शेयर इंडेक्स को छोड़ के कई बार शेयरों पर ही नज़र बना के रखनी चाहिए, वहीं मजबूती देखने को मिल सकती है।